have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to be. Another 5 minutes. Mr. Underscore Dot Stewart. How are you beautiful people? So, as you know by the title, this time I am doing the Naag Tibba trek aur bas chalne ka samay ho gaya hai. So, come join me and follow my lead. Naag Tibba. Naam sunke hi lagta hai, phatne wali hai. Naag Tibba trap. Oh, sorry, a track. So basically, 3022 meters, that's the height. Kareeb 10 ya 12 kilometer ka trek, which will take around 6 to 7 hours to reach to the top for a beginner. मुझे कुछ 3.5 घंटे लगे, सच बता रहा हूँ, बस बेस कैंप तक. Once you start, the aim is to reach base camp, half the distance. The next morning you continue for the summit. फट जाती है भाई. कितनी ऊपर है नाग टिब्बा? 8 किलोमीटर है. ये बेस कैंप या टोटल? बेस कैंप ना. अच्छा, तो तुम लोकल ही हो यहाँ के? फौजी काम है. अरे वाह. Alright, so another 5 minutes. Oh, 5 minutes aur ho gaye hain upar chadhte hue. It's not easy. How's the Josh? Hi, sir. Wow. So these are the rest of the crew members. Pehla stop. तकरीबन 2 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद पहला स्टॉप लिया है और नींबू पानी पी लिया है. अब आगे बढ़ने की तैयारी है. हिम्मत आए तो थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा रेस्ट करते हैं. How's the Josh? Hello, sir. ये धूप का जो टेम्परेचर है ना, कम से कम नहीं तो 30-32 डिग्री है भाई. ठीक है, और ऐसे में खड़ी चढ़ाइयाँ चढ़नी है. लेंटर लग गए, लेंटर लग गए. सरियों के साथ, सरियों के साथ. Finally. After, I believe, 3 hours or 3.5 hours, we have reached our destination here. And lander lag gaye bhai tumhare. Lander. Show you the site now. This is the... So finally, pahunch chuke hain. फेफड़े जो हैं वो और दो बार आए और फिर पता नहीं कहाँ गए. तो जो फेफड़े थे वो अब नहीं है. फेफड़े होते क्या हैं?
फेफड़े क्या होते हैं हमें नहीं पता, थोड़ी देर में पता चलेगा जब खाना खा लेंगे। जब खाना खा लेंगे, सो इट्स टाइम टू ईट लंच बहुत जल्दी से, क्योंकि भूख लगी है, नींद आ रही है और दावत दर्दे हो रही है टांगों में बहुत ज्यादा। पानी पियेंगे रच के, डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की बोतलें खत्म हो गई थी दोनों। एग्जैक्टली, और एनर्जी पूरी है, पूरी है। सो अभी चलते हैं एंड खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मिलते हैं। थैंक यू। सो भाई खाना खा लिया है और ये टेंट हम लोगों को मिला है। सो ये देखो कुछ सही है यार, स्पेशियस है, यहाँ पे सारा सामान आ गया, कुछ सामान हमारा यहाँ आ चुका है। थकावट के बाद पहाड़ों में जो नजारों से आराम आता है ना, जबरदस्त है भाई। Life is a winding road. ढलते सूरज को सलामी देते हैं, चाय का कप ले, इस सुहाने सफर की थकावट का आनंद। Trust me. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. रात होने का वक्त नजदीक था। जरा देखो इस ढलते सूरज को। उफ। Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. धीरे धीरे रात की सर्द हवाएं और नजदीक आने लगी। Even if the sky is falling down. और कैंपिंग के साथ बॉनफायर ना हो, हो नहीं सकता। कुछ गाने गाए, कुछ बातें की, नए दोस्त बनाए। दोस्त क्या कर रहे हैं? Alright, so it's time for a bonfire. और खूब ज्वाला, ज्वाला ही ज्वाला है। और ज्वाला ही ज्वाला है। अंदर की ज्वाला। अरे भाई तुम भी आ जाओ। ये जो गर्मी है ना। हाय भाई, आपका नाम क्या है ब्रदर? अविनाश। अविनाश। So he's Avinash. He's also a... out of frame, probably. नहीं, you are in the frame. It's okay. So he's also joined us in the trekking. और अब क्या सीन है? जो ज्वाला है ना, आवाज वैसे आएगी नहीं, बहुत शोर हो रहा ना। हाँ अब बोलो, जो ज्वाला है, जो ज्वाला है ना, वो वहाँ तक ही ठीक है। हाँ, यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक नहीं आनी, बसम हो जाओ। दूसरे बसम हो जाए। सो एंजॉय करते हैं अभी और उसके बाद फिर डिनर करके सोएंगे। एग्जैक्टली। क्या So good morning guys, and it's 3:30 in the morning. This is the day 2 of my Naag Tibba trek. और जाने का समय हो गया है समिट के लिए। कुछ नहीं दिख रहा है बाहर और ठंड बहुत ज़्यादा है। So let's go and experience the thrill. Fuck. एड़ी मुड़ गई यार। I am going back. Fuck.